नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, GSPL, दोस्तों जिसको आज मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूँ वो अपडेट देते हुए मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर, इस चैनल के ऊपर मैंने बार बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों मैं रेकमेंड कर रहा था, और पिछले कुछ टाइम से हमने बिल्कुल साइलेंट कर दिया था इस स्टॉक में, बट अब न्यूज़ आई है और काफ़ी अच्छा ब्रोकरेज भी टारगेट दे रहे हैं, और चार्ट के ऊपर क्या है उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते करते उससे पहले दोस्तों PNB हाउसिंग फाइनेंस का शेयर में जो न्यूज़ आई थी उस खबर के चलते हुए दोस्तों स्टॉक अभी भी अपर सर्किट ही मार रहा है। दो बार अपर सर्किट लगी 20% की और 3 बार 10% की मिली है दोस्तों। तो 5 दिन में स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन मूव आ चुका है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप न्यूज़ देख लेना, बट अभी लेवल बहुत हाई हो चुके हैं, हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो भी निकल चुके हैं। तो दोस्तों और एक मैं वीडियो में बताऊंगा कि आगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड दोस्तों आज का क्लोजिंग है 306.90 का क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। 7% स्टॉक अप गया है दोस्तों। जनरली ये स्टॉक इतना ज़्यादा मूव नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट गोस्ट ग्रेडेड स्टॉक है और बहुत ही चीप वैल्यूएशन है स्टॉक का। दोस्तों ओपन हुआ था स्टॉक 290 पे, हाई बनाया 310 का और लो बनाया 290 का। दोस्तों अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है इस स्टॉक के ऊपर, जो मैं चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि 1,30,00,000 शेयर हुए हैं और 39 लाख का डिलीवरी हुआ है, तो ऑलमोस्ट 30% का डिलीवरी हुआ है दोस्तों। पहले चार्ट के ऊपर चले उससे पहले एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि प्रमोटर जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है तो उनका तो स्टेबल होल्डिंग है, बट FII ने दोस्तों बाई किया है स्टॉक को। आप देखोगे कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअस बाई हुआ है थोड़ा थोड़ा परसेंट, बट इस बार काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बाई की है FII ने मार्च 2021 में दोस्तों। तो अब हम चलते सीधा चार्ट के ऊपर दोस्तों। ये GSPL का दोस्तों डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पोजिशनल कॉल के लिए ज़्यादातर मैं देता हूँ दोस्तों। तो आप देखोगे इस चार्ट के ऊपर, ये स्टॉक हमने रेकमेंड करना जब स्टार्ट किया था तब इसका प्राइस 179 था। आप 14 अक्टूबर का अगर मेरा वीडियो देखोगे तब मैंने इसको रेकमेंड किया था, फिर उसने हाई बनाया और फिर नीचे आया दोस्तों। फिर हमने एक अच्छी पैटर्न इजाद की थी कि स्टॉक जितनी बार गिरता है ज़्यादा उतनी ही बार चढ़ता है, जितनी बार दोस्तों स्टॉक गिरता है उतना ही अच्छा रिटर्न देता है। तो हमने स्विंग ट्रेडिंग के जरिए इस स्टॉक में बेहतरीन मुनाफा बनाया, और हमने हाई तक गए, ब्रेकआउट लेवल आया था जो पुराना ब्रेकआउट लेवल था वो भी हमने तोड़ के पैसा बनाया। बट अभी क्यों डिस्कस करना है चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर चल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लाइफ टाइम हाई के आसपास अप्रोच कर रहा है। ये जो 3 डे का हाई है, 3rd मार्च, 4th मार्च और 5th मार्च का, यहाँ पे 311.45 का स्टॉक ने हाई बनाया था दोस्तों। तो पहले हम जो हाई है वो लेवल के ऊपर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों क्लोजिंग होता है। हाई इंट्राडे में कोई भी बना देता है कोई भी स्टॉक, बट क्लोजिंग आ जाए ना उसके ऊपर तो वो होती है। तो 300 के ऊपर कभी भी स्टॉक जिंदगी में क्लोज नहीं कर पाया था, इस बार किया है। और वॉल्यूम सर दोस्तों देख लो, जो मैंने आपको डाटा में बताया था और वो चार्ट के ऊपर शो भी कर रहा है दोस्तों। तो वॉल्यूम बेहतरीन हमें मिल रहा है दोस्तों, और यही है रीज़न कि वॉल्यूम बहुत ही बेहतरीन है, स्टॉक के वैल्यूएशन सस्ते हैं। अब चलते हैं ब्रोकरेज क्यों बुली से, और जो अनिल सिंघवी जी है वो और उनके साथ जो वीरेंद्र बसल है वो क्या बात करते हैं। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जो है उसका टारगेट प्राइस 400 रुपीज़ रखा है मोतीलाल ओसवाल ने। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ से काफ़ी लंबा दोस्तों आपको मूवमेंट मिल सकता है। दूसरा है GSPL शेयर प्राइस जो है वो 7% राइज हुई है, CLSA मेंटेन बाय टारगेट विद द 410। तो दोनों ब्रोकरेज ऑलमोस्ट 400 के आसपास का टारगेट दे रही है, और जो वीरेंद्र बंसल है उनका ये बोलना है कि क्वार्टरली रिजल्ट गुड है और चिपेस्ट स्टॉक है इन अ PSU सेक्टर दोस्तों। EBITDA मार्जिन जो है वो 74% इम्प्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू 71% YOY बेसिस, और उनका बोलना है कि 2,250 करोड़ का इन टर्म ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में दोस्तों। और उनका ये मानना है कि जो एनुअल रिपोर्ट
प्रॉफिट है वो 800 से लेके 1000 करोड़ प्रॉफिट होगा एंड ऐसा मार्केट कैप ऐसा 16000 करोड़। तो बोले उनका सीधा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते है दोस्तों, और मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि ये स्टॉक में बहुत ही लॉन्ग टर्म में मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों। तो अगर अभी आपको ट्रेड करना है पोजिशनली तो दोस्तों ये हाई के ऊपर चलना स्टार्ट करें तो उसी को स्टॉप लॉस बना के फिर हमें वहाँ पे शॉर्ट टू इंट्राडे टू पोजिशनल कॉल करना है दोस्तों। बट रिजल्ट का जो मूवमेंट है ये यही मूवमेंट है, अगर ये मूवमेंट को तोड़ नहीं पाता ये स्टॉक तो फिर वापस नीचे आने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। बट दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं स्टॉक, तो पोर्टफोलियो में जगह अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट में भी करेक्शन आता है तो ये स्टॉक को लंबी अवधि के लिए रख सकते हो, बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, और फ्री में डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के में खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।